रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश की धड़कन। हल्द्वानी और काशीपुर और लगातार रुद्रपुर की जल्दी जल्दी हम इस पर भी बात करते हैं क्योंकि आगे भी हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं आप इसे प्रदीप जी की, क्या हल्द्वानी की स्थितियां हैं, क्या रुद्रपुर की स्थितियां हैं और क्या काशीपुर में आप देख रहे हैं? हाँ देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि हल्द्वानी जो है उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी है। हाँ। और हल्द्वानी जो है कि अगर विधानसभा के हिसाब से भी देखा जाए तो परंपरागत सीट है कांग्रेस की। इंदिरा हृदयेश वहां से विधायक रही हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं और इस बार जो उनके बेटे हैं जो मंडी परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं सुमित हृदयेश, वो जो है मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और एक अच्छी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के जो रौतेला उनको अच्छी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन जब तक नतीजा नहीं आ जाता कुछ कहना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में और काशीपुर जो है वो राहत देती नजर आ रही है बीजेपी को। हाँ, और रुद्रपुर के लिए क्या कहेंगे? रुद्रपुर में भी अभी असमंजस की स्थितियां हैं क्योंकि रुद्रपुर में चुनाव कांग्रेस और बीजेपी में न होकर रुद्रपुर में चुनाव जो है राजकुमार ठकुराल और जो है कि तिलक राज बेहड़ में होता है और दोनों ही दबंग प्रवृत्ति के नेता रहे हैं तो रुद्रपुर में भी एकदम नाक का सवाल है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। लेकिन काशीपुर में एक सुखद समाचार बीजेपी के लिए हो सकता है। चलिए ठीक है, और देखते हैं कि क्या बीजेपी के लिए आगे समाचार होगा। लेकिन लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं, हमारे साथ गौरव जी जुड़े हुए। गौरव जी, हरिद्वार देवभूमि का द्वार कहा जाता है, द्वार पर ही आपको नकार दिया गया। अभी रिजल्ट आने में बहुत समय है, बहुत जल्दी होगा कोई बात कहना। जहां तक मेरे मित्र मेरे भाई की बात है कि हरिद्वार में हम पिछड़ रहे हैं, हमारे वहाँ कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने अभी तक उसका पूरा परिणाम देखा नहीं है। और जल्दी है कोई बात करना कि हम हार रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लगभग अभी तक जहां तक मुझे मैसेज आ रहा है कि हर सीट में कांटे की टक्कर चल रही है। हाँ। देहरादून हम आगे बढ़ गए हैं, हल्द्वानी में हम आगे बढ़े हुए हैं, काशीपुर हम आगे बढ़े हुए हैं। इन सीटों में हमारी तेजी से हमारी बढ़त आगे बढ़ती जा रही है। हाँ। और मुझे लगता है इस चुनाव का जो नतीजा है वो कल तक ही आ पाएगा जी, और उस तब तक आपको थोड़ा इंतजार भी करना होगा और ये उत्साह बनाए रखें गौरव जी, ताकि परिणाम अगर उत्साह अगर हमें अगर अगर परिणाम पक्ष में नहीं भी आए तो फिर आगे आपको, क्योंकि सरकार विधानसभा में आप बैठे तो ये काम करके दिखाना पड़ेगा। गौरव जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जहां जहां उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं तो एकदम बता दे रहे कि यहां जीत रहे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखना भी बड़ी जिम्मेदारी है। सतपुली में अध्यक्ष श्रीमती अंजना देवी हम जीत गए हैं। चमोली नगर पंचायत नंदप्रयाग श्रीमती हिमानी जी, उत्तरकाशी नौगांव अध्यक्ष पद पर हमारी शशि मोहन जी जीत गए हैं, गंगोलीहाट श्रीमती जयश्री पाठक हम जीत गए हैं। हाँ। पिथौरागढ़ नगर पालिका परिषद डीडीआर हाँ। कमला चुफाल जी हमारी चुनाव जीत चुके हैं। धारचूला हाँ। जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए वहां चुनाव राजेश्वरी देवी जी हमारी चुनाव जीत गई है। नगर पंचायत आप देखिए अल्मोड़ा में श्रीमती अंबुली देवी हमारी चुनाव जीत गई है। अल्मोड़ा मुकेश लाल हम चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है हर जगह चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, कोई बहुत जल्दी होगी। दुगड़ा में आप हार चुके हैं, रुद्रप्रयाग में आप हार चुके हैं, रामनगर में आप हार चुके हैं, गैरसैंण में आप हार चुके हैं। जनाब जीते 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 प्रदीप जी, मैं कह रहा हूँ ना कि उत्साह बनाए रखना कार्यकर्ताओं का भी जरूरी है। गौरव जी उसमें बहुत अच्छे पारंगत है और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, इसलिए ये समझ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखना, हार की बात करके उनका उत्साह तोड़ना नहीं है। रतिभान त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रतिभान जी, जो परिणाम और जो स्थितियां जो रुझान आप देख रहे हैं इस वक्त, क्या कहेंगे इसे? इसे मार्किंग कहेंगे जनता की त्रिवेंद्र सरकार के लिए या फिर कुछ और देखते हैं आप इसमें? अभी पांडे जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हम फला सीट जीत गए, फला सीट जीत गए, फला सीट जीत गए हैं, तो मीठा मीठा कड़वा मीठा मीठा गप कर रहे हैं, ये अच्छी बात है जी। और पार्टी अब तो चुनाव परिणाम आ ही चुका है। हाँ। और जो वोटर्स को जिन्होंने उनको वोट देना दे चुके हैं, अब हारे या जीते परिणाम तो आना ही आना है। अब किस बात का उत्साह बनाए रखने की बात है? परिणाम अच्छा आएगा तो उत्साह की बात बना रहेगा, नहीं भी आएगा तो भी क्या उत्साह टूट जाएगा? अब तो टूटने वाली बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मचिंतन का विषय है और इतना ही नहीं कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है कि जो ठीक है। मैं रतिभान साहब माफी चाहूंगा आपसे, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन और कुछ अहम जानकारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी हम दी जा रही थी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, हालांकि उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस वक्त निकाय चुनाव जो कि उत्तराखंड की जनता द्वारा दिया गया एक जनादेश रतिभान जी के पास मैं इस वक्त दिया था। तो रतिभान जी, आपको मैंने बीच में रुका, लेकिन वो जो मार्किंग वाला सवाल है कि ये जो नाम आ रहे हैं या जो लोगों ने जो जनादेश निकाय चुनाव में दिया, ये मार्किंग इसे देख रहे हैं आप या फिर जिस तरह से गौरव जी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छी कई अच्छी जगह पर हम जीते हैं, ठीक है, हार का जिक्र उन्होंने नहीं किया, तो किस तरह से देख रहे हैं इस मार्किंग को आप? देखिए, ये चुनाव मैंने फिर पहले भी कहा था कि ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। हाँ।
और स्थानीय लोग प्रभावी होते हैं, स्थानीय मुद्दे प्रभावी तो स्थानीय लोग प्रभावी होते हैं। पार्टी तो जो लोग नाराज होते हैं वो पार्टी को वोट नहीं देते, पार्टी कार्यकर्ताओं को। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो जिताऊ कैंडिडेट होते हैं वो पार्टी से टिकट चाहते हैं, पार्टी के लोग उन्हें अपने निजी कारणों से उनको टिकट नहीं देते और वो चुनाव मैदान में होते हैं, नतीजा ये होता है कोई चुनाव जीत ले जाते हैं। तो कुछ स्थानीय निकाय के चुनाव में यही स्थिति होती है, जैसे उत्तराखंड के 7 नगर निगमों में 4 में बीजेपी की बढ़त दिखाई पड़ रही है, 3 में बीजेपी कांग्रेस की बढ़त दिखाई पड़ रही है। तो ये ठीक है कि चुनाव स्थानीय मुद्दों पर है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन पार्टी के आगे के परिणामों पर आने वाला है, इसको आप नकार नहीं सकते एकदम से। बिल्कुल, पार्टी उनकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस है, हाँ। कांग्रेस ले जाकर कहे कि देखिए इनको इनको इन्होंने अच्छा काम किया होता तो जनता इनको अच्छे वोट देती, अच्छी सीटें देती, कांग्रेस ये कहेगी। हाँ। ये बात अलग है, कांग्रेस भी बहुत अच्छी बेहतर नहीं कर पा रही है, उसे विपक्ष के तौर पर बेहतर करना चाहिए था। हाँ। उसे ये मुद्दा ले जाना चाहिए था जनता के बीच में कि हम क्या अच्छा, हम क्या अच्छा है, हमारे नेता क्या अच्छा कर रहे हैं, हमने पहले क्या अच्छा किया है। शायद उनका वो भी अपने को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई जिस रूप में उसे करना चाहिए था। हाँ। तो इसीलिए ये जो परिणाम है वो आगे के चुनाव में कुछ ना कुछ आंशिक रूप से ऐसे असर जरूर डालेंगे, इसको नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल, पार्टियां इसको मुद्दा बनाएंगे, देखिए ये जनता का इनके पक्ष में रुझान नहीं है। हाँ। ये तो बनेगा। ठीक है दीपांजी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। गौरव साहब इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। जी गौरव, मैं पहले तो बधाई देता हूँ, पिथौरागढ़ नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष राजेंद्र रावत जी चुनाव जीत चुके हैं। हाँ। और रुद्रपुर में जो मेरे भाई बात कर रहे थे, मेयर पद के प्रत्याशी हमारे रामपाल लगभग 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं जी। तो लगभग हम हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, जैसा कि मेरे भाई बता रहे थे मुझे कि हमारे जनता हमारे कामों को, जो हमारे अच्छे काम है केंद्र के और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सरकार के, उन कामों को लगभग हर जगह उन्होंने सरकार पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ा रहे हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं, जनता चाहती है हम और इससे अच्छा काम करें। हाँ। तो उसके लिए हम एक को जो जनता मैंडेट दे रही है हमारे सर आंखों पर, जनता का फैसला सर्वमान्य है, हमारे कार्यकर्ता की मेहनत और जनता के फैसले का हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल, और जनता की नाराजगी को भी स्वीकार करेंगे आप, हमें इससे मिलेगी, जनता की नाराजगी को भी स्वीकार करेंगे आप, क्योंकि निर्दलियों को इतने 200-250 तक सीटें मिल रही है, शक्ति हमें बीजेपी 90-95 के आसपास घूम रही है और कांग्रेस की स्थिति और खराब है। प्रदीप जी, कांग्रेस के बारे में हम यहाँ जिक्र करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथी हमारे किसी वजह से नहीं जुड़ पाए, कोई परेशानी थी इस वजह से, लेकिन प्रदीप साहब जिक्र यहाँ करना लाजमी हो जाता है, कांग्रेस से जुड़ते हो। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति, उनके जो सीएम प्रत्याशी थे सरेआम सबको पता है कि कैसे पकड़े गए हैं। चलिए ठीक है, वो विषय अलग का रहेगा, हम उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन प्रदीप साहब, चूंकि कांग्रेस भी प्रदेश के विकास के लिए काम करती रही है, सरकार में रही, चाहे बीजेपी को मौका दिया जनता ने, चाहे कांग्रेस को, दोनों ही ये दल रिपीट होते रहे हैं, कोई तीसरा यहां पर मौका नहीं था। लेकिन इस बार निकाय चुनाव में एक तीसरे मोर्चे की सुखबुगाहट का आपने शुरू में भी जिक्र किया था, लेकिन कांग्रेस पर अगर देखें नजर डालें तो जैसा कि रतिवान जी ने भी जिक्र किया कि विपक्षी दल होने के नाते अच्छा परफॉर्मेंस इन चुनावों में उनका होना चाहिए था, जितना कि इस बार नहीं देखने को मिल रहा। आप क्या कहेंगे प्रदीप जी इस बारे में? देखिए, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल देश में भी है और प्रदेश में भी है, लेकिन उनका संख्या बल कितना ये पूरी देश को मालूम है, और उत्तराखंड में कितने छत्रप कांग्रेस में है ये भी सबको मालूम है। पूर्व जो प्रदेश उपाध्यक्ष है उनकी अलग ढपली है, वर्तमान की अलग ढपली है, और अपने अपने राग, इसका नतीजा इन निकाय चुनाव में देखने को मिला है। कांग्रेस जो बेहतर कर सकती थी वो नहीं कर पाई, क्योंकि अलग अलग छत्र उसमें हैं, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी संगठन के रूप से, जिसकी पैरवी हमारे मित्र कर रहे हैं और उसके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे बात रख रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के जीती हुई सीटों का जिक्र कर रहे हैं। सुनिएगा, अब सुन लीजिएगा, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये संगठन के लिहाज से। चल धन्यवाद, आपने इसको सराहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मेहनत सफल हुई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अमित शाह जी ने एक सपना देखा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करे, वो आज हमें साकार करके दिया। संगठन के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी नहीं, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। और आप देखिए कि उत्तर, सुनिए गौरव जी, सुनिए गौरव जी, सुन लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का ये हश्र कि केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार, और संगठन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कमल तो खिलना चाहिए लेकिन कैंडिडेट ठीक नहीं, इसलिए हमने निर्दलीय जीता दिया जी। ठीक है, तो वो जो गुस्सा जो है वोटर निकला है, हाँ। जिसको बीजेपी अपनी ताकत समझ ली थी कि वोटर निकला, उत्साह बढ़ा है,
वो गुस्सा जो है कांग्रेस में परिवर्तित नहीं हुआ, वो निर्दलीय में परिवर्तित हुआ। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ वही दिल्ली वाली बात हुई है, जो दिल्ली में गुस्सा था वो आम आदमी पार्टी में था, उत्तराखंड में जो गुस्सा है कांग्रेस और बीजेपी को लेके वो निर्दलीय के खाते में गया। हाँ। मेरे मित्र ये भूल गए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ी थी उन्होंने दिल्ली का क्या हाल किया वो सब जानते हैं। उत्तराखंड से बच दीजिए, उत्तराखंड की अगर बात करना चाह रहे हैं तो अलग बात है, पत्रकार के नाते आप इतिहास को बदल सकते हैं क्या? नहीं, आप इतिहास को नहीं बदल सकते। वो आम आदमी पार्टी उधर मेयर का चुनाव लड़ रही है, आप ये मत सुनिए गौरव जी, सुनिएगा जानते हैं कि मेयर के चुनाव में कितनी तेजी से वहाँ पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है, यही होता है। उन्होंने दिल्ली को क्या हाल किया वो सब जानते हैं। देखिए असफलता का यही पैमाना है कि आदमी चिल्लाने लगता है, असफलता का यही पैमाना है। आप गैरसैंण में बताइए ना, गैरसैंण को लेकर आपकी राय स्पष्ट नहीं थी, चुनाव हार गए। गैरसैंण में आपने जो है कि बिल्कुल मुंह की खाई है। दुगड्डा कोटद्वार में हारे, दुगड्डा में भी आपका, आपको पता है कोटद्वार हम कैसे चुनाव विधानसभा चुनाव में गौरव साहब वादा हुआ था, गैरसैंण को लेकर जो जिक्र हुआ था, गैरसैंण का जो जिक्र हुआ था वो बीजेपी के पास बहुत बड़ा मुद्दा था कि ठीक है गैरसैंण को लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और इस बात को लेकर बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने चुनाव प्रचार में मानिए कि पूरे उत्तराखंड में सिर्फ गैरसैंण ही सुनाई दे रहा था, लेकिन जीतने के बाद क्या हुआ आपके सामने? आप जीतने की बात कर रहे हैं, पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग जीती है बीजेपी आप बताइए? आप पंच प्रयागों में सुनिए, रुद्रप्रयाग आप हारे हैं, रुद्रप्रयाग आप हार गए हैं, कितने प्रयाग आप जीते हैं? आप जीतने की बात कर रहे हैं, त्रिवेंद्र जी ने अपने सीएम बनने के बाद लगभग 19 महीने में कैबिनेट की बैठक विधानसभा करनी चालू करी गैरसैंण में, गैरसैंण की स्थिति हमारी क्लियर है। नहीं तो आप ये ऐसे लॉलीपॉप दीजिएगा, जो वादा किया था उसे पूरा कीजिए ना। आप बैठकें करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप बैठकें करके क्या संतोष लोगों में? ये अवार्ड नहीं मिला तो रिवॉर्ड ही सही वाली स्थिति गौरव साहब कब तक चलेगी? ये कब तक चलेगा? आपने वादा किया था कि हारने की भी बात सुनिए, आज मंगलवार है और मंगलवार को ये अमंगल हो गया है। सुन लीजिए कि आप पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग हार चुके हैं? पंच आप आज बद्रीनाथ के कपाट बंद हुए हैं और आप जोशीमठ हार चुके हैं, आप जोशीमठ हार चुके हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा समय की कमी के बाद जो केदारनाथ में डेवलपमेंट है उसकी बात भी कीजिए। तभी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी है जिम्मेदारी सत्ता में, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। गौरव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपदा के बाद सुनिए, फिर वहां कांग्रेस का विधायक जीता है रुद्रप्रयाग में। हाँ। और आज के नतीजे में भी आज को जानते हैं, अभी तो आप जीत पार्टी आज केंद्र की सरकार जहां रोड बनाती है वो नहीं देखती कांग्रेस का प्रतिनिधि या बीजेपी का प्रतिनिधि कौन है। हम रोड आज घर आज बनाना चाहते हैं। आज रुद्रप्रयाग फिर आ चुके हैं, आप फिर रुद्रप्रयाग आ चुके, आप डंका पीट रहे हैं, जनता नकार रही है आपको, आपको जनता रुद्रप्रयाग में नकार चुकी है, विधानसभा में भी सुनिए, विधानसभा में आप नकार चुके हैं। 57 सीटों का क्लियर मैंडेट जीते हैं आप, जिसके फिर हम पीछे जा रहे हैं। मेरे मेहमानों को मैं फिर वापस लाना चाहूंगा निकाय चुनाव पर, थोड़ा विधानसभा चुनाव का जिक्र यहां पर हो जाना लाजमी है क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं चाहूंगा सभी खास मेहमान इसे कंक्लूड करें और कम कम शब्दों में इस पूरे मामले पर इन निकाय चुनाव को किस तरह से किस नजर से वो देखते हैं, परिणाम किस तरह का वो चाहते हैं या किस तरह का उन्हें दिखाई दे रहा, बात करेंगे। रतिबान जी आपसे शुरुआत करते हैं, फाइनल कमेंट्स इन चुनावों को लेकर जो स्थिति आप अभी देख रहे हैं, क्या देखते हैं आगे उत्तराखंड की जनता जो परिणाम देने वाली है इन चुनावों को लेकर, बीजेपी को और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बाद कांग्रेस के लिए क्या स्थितियां होंगी और जो निर्दलीय उभर कर आ रहे हैं क्या ये कोई तीसरा मोर्चा है? भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आईना दिखाया है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें कैसे और परफॉर्मेंस करनी चाहिए। कांग्रेस के लिए भी बड़ी भारी चुनौती है कि वो विपक्ष में रहते हुए भी अच्छा अपने सत्तारूढ़ दल को ठीक से हमला नहीं कर पाई। हाँ। और उनको हरा नहीं पाई, ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा भारी चुनौती है और स्वाभाविक है कि इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इन दोनों पार्टियों को अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रणनीति बताई, जैसे कि मेरी तो भारतीय जनता पार्टी की के एक नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है, दो पूर्व मुख्यमंत्री से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग लगे हुए हैं पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं चुनाव के लिए। हाँ। जब पूरी सरकार में बैठे हुए लोग पार्टी काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी क्यों नहीं आ पा रही है ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि
कि भारतीय जनता पार्टी के को लोग उस लेवल पर पसंद नहीं कर रहे हैं जैसा कि अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बैठकर बिल्कुल और इसके लिए और काम करना होगा रतिवानी और प्रयास करेंगे नेता भी समय की थोड़ी कमी है लड़ाई की वजह से और खास मेहमानों की प्रदीप जी क्या चूंकि जिस तरह से रतिवान साहब भी कह रहे हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने किया हालांकि गौरव साहब इस बात को मान नहीं रहे ठीक है उनका काम है पार्टी ने उन्हें इसीलिए भेजा कि अपनी पार्टी के विरोधी बातों को आप बिल्कुल ना माने और उस पर अपना झंडा बुलंद रखें लेकिन प्रदीप जी जो इस वक्त आप स्थिति देख रहे हैं बीजेपी को लोगों ने नकारा ठीक है काम ठीक से सरकार ने नहीं किया वो कुछ कोई भी वजह रही हो कांग्रेस के अपने आपसी खींचतान है इस वजह से वो नहीं लोगों ने मैंडेट दे रहे हैं निर्दलियों को जीत मिल रही है कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं कि काम उत्तराखंड में नहीं हो रहे हैं और जिस वजह से निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं जब वही नहीं होगा तो लोग उसमें क्यों किसी को मैंडेट देंगे बिल्कुल देखिए अभी तक ये था कि नया तमाशा देखेगी उत्तराखंड की जनता सारी कल तेरी बारी थी आज है मेरी बारी कभी कांग्रेस की बारी और कभी बीजेपी की बारी लेकिन बहुत हो चुका ये तमाशा बहुत इंतहा हो गई तमाशे की 18 सालों में आप उठा के देखेंगे तो तमाशा ही तमाशा है और अब कहते ना कि अगर मगर मत करो ये बताओ काफिला क्यों लुटा अब उत्तराखंड की जनता जो है ये 18 सालों में काफिला क्यों लुटा है इसका जवाब कांग्रेस से भी चाह रही है और इसका जवाब बीजेपी से भी चाह रही है और ये जो नतीजे हैं जिसके लिए कि अभी कह रहे कि इंतजार कीजिए बहुत ज्यादा तस्वीर नहीं बदलेगी बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है रहेगी लेकिन उस मेयर का क्या करना जब बोर्ड के मेंबर ही कोई निर्दलीय होगा कोई कांग्रेस का होगा उस मेयर का क्या करना डिसीजन में कितनी दिक्कतें आएंगी तो अब तीसरे मोर्चे की एक अच्छी स्थिति उत्तराखंड में है और पर्वतीय राज्य की परिकल्पना के अनुसार अगर राज्य नहीं बना तो फिर लखनऊ और देहरादून में अभी भी लोगों को ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है और ये गुस्सा ये पीड़ा ये वोट के रूप में जनता ने चाहे वो उत्तराखंड के मैदानी इलाका हो पहाड़ी इलाका हो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट करके दिया है बिल्कुल गौरव पांडे साहब क्या कहेंगे कंक्लूड कीजिए आप जो भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहेंगे आप इन परिणामों को कितने अच्छे से आप ले रहे हैं क्या जनता की नाराजगी है या आशीर्वाद है कैसे देखते हैं हमने बताया मैंने हम अच्छे काम कर रहे हैं आगे अच्छे काम करते रहेंगे जनता ने जो हमें फैसला दिया हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी पूरे साल लगभग हर 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता जनता के हित में जो भी काम होंगे उसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या जो प्रदीप जी ने जिक्र किया था ट्रिपल इंजन वाला फार्मूला कामयाब होगा दूसरी चीज कहता ना हम तो सिंपल अटल जी ने हमें राज्य दिया उत्तराखंड की जन भावनाओं का सम्मान करते अटल जी ने उत्तराखंड को राज्य बनाया तो जाते आते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो भी चला यह भी सही वह भी सही हम जनता की भलाई के लिए उस गरीब आदमी के आखिरी घर तक काम करने के लिए 24 घंटे रात दिन काम करेंगे जनता के फैसला का हम सम्मान करते हैं इसी फैसले के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे चलिए ठीक है मैं चाहूंगा कि उन सभी बातों को उन सभी वाक्यों को जो आपने जिक्र किया वो सभी आपके स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी ये व्याप्त हो और इसको लेकर के काम करे बीजेपी जिससे कि जनता को भी ये लगे ठीक है हमने जिन्हें चुना है हमने कोई गलती नहीं की समय की कमी है इसलिए मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ प्रदीप वेदवाल साहब जुड़े वरिष्ठ पत्रकार बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ गौरव पांडे जी जुड़े बीजेपी प्रदेश प्रभारी युवा मोर्चा के बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी रतिवान जी बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे विषय पर स्थिति को रखने के लिए और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश की धड़कन